बार पढ़ना भी साला पहले जैसा रह नहीं गया। तीन चार पेज में तो विज्ञापन आते हैं, पांच छह पेज में बेकार टाइप की खबरें, चार दिन से वही आ रहा है बस। ये टिंकू ने किया 99.99% से टॉप, लुटेरा पब्लिक स्कूल का छात्र है। वाह क्या बात है, एक जमाना हमारा था अगर हम लोग सेकंड डिवीजन भी आ गए ना तो पूरे गांव में चौड़े होकर के बाहुबली की तरह घूमते थे। हाँ क्या लुटेरा लुटेरा लगा रखी है, लुखेरा है वो लुखेरा पब्लिक स्कूल। चश्मा बना लो कह रही हूँ। कितनी बार कह दिया है चश्मा बनवा लो चश्मा बनवा लो, सुनते ही नहीं है, अर्थ का अनर्थ पढ़ते हैं। अरे मैं तुझे पता है मैं चश्मा क्यों नहीं बनाता हूँ? क्यों नहीं बना रहे हो? देख अगर मैं चश्मा बनाऊंगा ना तो तू मुझे साफ साफ दिखेगी जो मैं नहीं चाहता, और चश्मा नहीं बनवाता हूँ ना तो तू मुझे ब्लर दिखती है ब्लर, और घरवाली जितना ब्लर दिखे ना उतना ही अच्छा होता है घरवाले के लिए। ये बिलर का क्या कह रहे हो तुम, जो भी कह रहे होगे अच्छा तो नहीं कह रहे होगे तुम। हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। घरवाली अगर आपके बस में नहीं है तो वशीकरण करें, भाई यार ऐसा ही होता है क्या? कितने रुपए लेते हैं ये लोग घरवाली को बस में करने के लिए? अरे चुप जाओ कह रही हूँ। क्या हुआ? देख रहे हो गली मोहल्ले की सारी बहुएं पूजा पाठ कर रही हैं, हमारी बहू डिस्को डांस कर रही है। एक तो यार ये अखबार पढ़कर रोज मूड खराब हो जाता है, ऊपर से तो मेरे बगल में बैठ जाती है और ज्यादा मूड खराब हो जाता है, मूड का सत्यानाश हो जाता है, दिमाग खराब मत किया कर। कितनी बार बिट्टू से कहा बेटा अपने मन की शादी मत कर मत कर, अब ना ही ये पूजा करती है ना ही ये मंदिर जाती है और ना ही ये भजन गाती है। अच्छा एक बात सुन, तू व्रत भी करती है? हाँ और क्या, रोज भजन भी गाती है? हाँ और क्या, मंदिर भी जाती है? हाँ हाँ और क्या, फिर भी तो कंजूस है कपटी है, एक गरीब को एक रोटी तक नहीं खिलाती है। बिट्टू की मम्मी तुम्हारी बहू तो कीर्तनों में भी नहीं आती है? अब वो बाप रे, तुम्हारी बहू तो जीन्स पहन के मार्केट चली जाती है, हमने तो अपनी सास के सामने कभी ऐसा नहीं किया। बेटे को ना ज्यादा ही पढ़ा दिया, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, अपने मन की शादी कर लाया, क्या करें। तभी तो मेरे पापा ने 10वीं से आगे मुझे नहीं पढ़ाया, सीधी शादी हुई मैं मेरी शादी कर दी। अब वो चंपा हमारे संस्कार मॉडर्न सोसाइटी नाम की नदी में बह गए हैं, क्या करें। आई रे पड़ोसन आई रे आग लगाने आई। अरे बिट्टू की मम्मी अपने बेटे को समझाओ कि बहू को इतना सिर ना चढ़ाए वो। हाँ करती हूँ, बात तो करती हूँ फिर अब। हाँ समझा लो उसे, हाँ नहीं तो हाथ से निकल जाएगा फिर कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ वो तो है ही, ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है। व्रत के दिन मेरी बुढ़िया थक जाती है, जहां जाती है वहां सो जाती है। अरे उठ जा। ऐसा व्रत करना कोई जरूरी है क्या, शरीर में दम नहीं है तो है? कर लिया 40-45 साल व्रत कर लिया, भगवान कोई तुम्हारे कान पर बंदूक रख नहीं बैठा हुआ है, व्रत करो व्रत करो व्रत करो। अरे एकादशी का व्रत अपने साथ जाता है और कुछ नहीं जाता साथ।
अरे कहीं ऐसा ना हो आए दिन एकादशी करते करते दशा ना आ जाए कहीं। ऐसा कुछ नहीं है, अब ये इतनी थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, व्रत का खाना बहू बना देती तो अच्छा ही था। क्यों, उस बेचारी को क्या पता व्रत का खाना कैसे बनता है? क्यों उस बेचारी पर जुलम कर रही है? जिस बेचारी का चारा मेरा बेटा बना है, क्या उसे खाना भी नहीं बनेगा? अरे व्रत का खाना नहीं भी बनाए तो कम से कम सीखने की तो कोशिश कर सकती है वो। हाँ ये बात तो तूने सही कही है। हाँ थोड़ा बहुत मेरी समझ में भी आ रही है। कभी कभी तो बुद्धि वाली बात करती है, ऐसी बात तो नहीं है? तो है, थोड़ी बहुत तो बुद्धि है तुझमें। हाँ अब मैं सो जाती हूँ। अरे सो मत यार, मैं भी बोर हो जाता हूँ यार, ऐसे मत सोया कर यार। अरे तेरे साथ लड़ते लड़ते तो दिन कट जाता है यार है? अरे यार लड़ते नहीं है, व्रत के दिन कौन लड़ता है? अच्छा ताकत नहीं आती ना तेरे को उस दिन? हाँ मैं समझ गया, व्रत के दिन ताकत नहीं रहती लड़ने की। और दिन तो ऐसे ऐसे बाहुबली की तरह लड़ती है। सुनो आज की अफसे से चिकन मंगवा ले क्या? दिमाग खराब है क्या? आज माँ बाबू जी का व्रत है। हे भगवान यार, जब से मैं शादी करके आई हूँ ना, मैंने अभी तक एक दिन भी चिकन मटन नहीं खाया। ये रोज की सब्जियाँ खा के, घास फूस खा के मेरा दिमाग खराब हो गया है। यार हमारी प्योर वेज फैमिली है। यार शादी से पहले तो तुमने मैंने साथ बैठ के चिकन खाया था, और मैंने सोचा तुम्हारी फैमिली नॉन वेजिटेरियन होगी। वो तो यार मैं उन दिनों तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में खा लेता था। मेरे घर वालों को तो ये भी पता नहीं है मैं नॉन वेज खाता भी हूँ। अब तुम मेरी खुशी के लिए ना इस घर में बोल दो कि एक सब्जी चिकन और मटन भी बनेगा। यार तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ टाइम अभी चुप रहो। अभी अभी मम्मी पापा ना हमारे अपने मन की शादी है करके गुस्से में है वैसे ही, ऊपर से हम उन्हें चिकन मटन भी बोल दें दिमाग खराब कर देंगे। प्लीज यार कुछ समय दे दो। ये गर्मियों को छोड़ दो, और जब सर्दी आएंगी ना उसमें मुझे रोज चिकन और मटन चाहिए। ठीक है। और हाँ वीकेंड में हम लोग ड्रिंक भी करेंगे, वोडका शोटका पियेंगे और चिल करेंगे। हाँ कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं हो जाएगा? हो जाएगा क्या, हम तो करते हैं। ये शादी से पहले से तो तुम ऐसे नहीं बोलते थे। जी मम्मी जी। हाँ बहू हमारा व्रत है ना, अब आज से व्रत का खाना तू ही बनाएगी। वो तो मम्मी जी मुझे बनाना आता ही नहीं, मुझे तो चिकन मटन और कलेजी बनाना आता है। छी 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 छी, राम 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 राम। हे भगवान ये कलेजी सुन के तो मेरा कलेजा निकलने को तैयार हो रखा है। राम 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 राम। हे भगवान यही दिन देखना रह गया था। अरे क्या हुआ, ये राम 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 क्यों हो गया परेशान? अरे हमारी बहू कलेजी खाती है कह रही है। कलेजी खाती है? हाँ तो कोई बात नहीं, तू दिमाग खाती है, बहू कलेजा खाती है, तुम्हारे तो कुछ ना कुछ तो खाती हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हे भगवान वो बकरी का खाती है कह रही है, मांस मांसाहारी है वो, मांसाहारी। हमारे तो कर्म ही खराब है। हे भगवान आज इतने बड़े व्रत के दिन ये सुनने को मिल रहा है, भागी फूट गए हमारे तो। क्या फूट गया? कुछ नहीं, चुप रहो। वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है, आंखें तो खराब थी कान भी खराब हो गए इनके। कहाँ जाऊं मैं इस घर से, हे भगवान उठा ले मुझे। हाँ भगवान कोई क्रेन वाला है जो उठा लेगा तुझे, चुप रह। अरे इतना दहकते धधकते क्यों आ रहे हो, क्या हुआ? यारे मम्मी जी ना मेरे चिकन और मटन को छीछी बोल रही हैं। अगर मैं इनके व्रत के खाने को छीछी बोल दूं तो इनको कैसा लगेगा? तमीज तो होना चाहिए ना इतना। अरे यार हमारे परिवार में ये सब चीजें नहीं चलती है ना, इग्नोर क्यों नहीं करते हो तुम? काश शादी से पहले ना मैंने तुम्हें इग्नोर किया होता तो सही था।
क्या हुआ? अरे उदास क्यों बैठी है? अरे मैं ये सोच रही हूँ, अगर हमारी बहू भी हमारी जैसी होती तो कितना मजा आता जिंदगी में। अरे हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी, चिंता क्यों करती है? चल कीर्तन करते, चल बहू को भी बुला ला, उसे हाँ। भी धीरे धीरे अच्छा लग जाएगा। चलो फिर, शाम तो हो ही गई है, अब कीर्तन का भी समय हो गया हमारे। हाँ चल, हाँ चलो, इससे क्या बताओ उसको कुछ फर्क पड़े। हरे हरे राम। बहू को बुला। बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू, आजा कीर्तन में बैठेगी। आ मम्मी जी, फिर कभी कर लूंगी ना, अभी हम लोग नाइट शो में जा रहे हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत। मैं ठीक कह रही हूँ ना? सही कह रही है बिट्टू की माँ, तू इसके अलावा इसका कोई उपाय भी नहीं है। हाँ ऐसा ही करते हैं। बिट्टू, ओ बिट्टू, हाँ बताओ क्या बात है? बेटा ऐसा है ना, अब हम लोग गांव चले जाते हैं, वहाँ पे घर है तो सही हमारा, हम वहीं रह लेंगे दोनों। अब तेरी भी शादी हो गई है, क्या करना है हमने, हम दोनों वहीं रह जाएंगे, तुम यहाँ जो मर्जी होगी करना। हाँ वैसे भी इस जमाने के लायक तो हम लोग हैं ही नहीं। ऐसा मत कहो प्लीज। तेरी माँ सही कह रही है बेटा, आगे चलकर हमारी वजह से तेरे और बहू के बीच में अनबन हो, यह हम नहीं चाहते। कौन माँ बाप ऐसा चाहेगा उनके बेटे और बहू के बीच में कोई अनबन हो। तुम लोग सुख से रहो, हमें और क्या चाहिए, इंजॉय करो, हमने तो जी ली अपनी जिंदगी। मेरी गलती है मम्मी पापा, और किसी की गलती नहीं है। मुझे पता था ये एडवांस है, मॉडर्न है, इसके परिवार का रहन सहन मेरे परिवार के रहन सहन जैसा नहीं है, फिर भी मैंने शादी के लिए जिद करी। मैं गलत हूँ मम्मी पापा, मैं। इसीलिए बेटा शादी से पहले मैंने तुझसे कहा कि हमें जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जाति की हो, लेकिन उसके संस्कार हमारे परिवार जैसे होने चाहिए। अब इसमें बहू की भी कोई गलती नहीं है, वो जैसे माहौल में रही वैसा वो कर रही है। अब कल को तेरा घर ना टूटे, इससे अच्छा हम ही चल देते हैं। बिल्कुल है ना? सही कह रही है बिट्टू की माँ, तू सही कह रही है। तुम लोग इंजॉय करो यार अपनी जिंदगी।
होगी पूजा। अरे यार तुमको ये अचानक क्या हो गया? डांस वांस करने वाली, दारू शारू पीने वाली, केएफसी का चिकन खाने वाली बहू को आज क्या हो गया अचानक? यार मैंने ना सास ससुर की बातें सुनी, वो लोग हमारी खुशियों के लिए इस घर को छोड़ने तक तैयार हैं, और मैं अपनी ये छोटी सी बुरी आदतों को नहीं छोड़ सकती क्या? मैं पता है इस घर के पूरे संस्कार समझ चुकी हूँ, और ये घर मेरा घर है और यहाँ के संस्कार मेरे संस्कार है। इतने अच्छे सास ससुर किसको मिलते हैं यार, इतनी खुशी से मुझे, मतलब भगवान ने मेरी सबको सुन ली, तुमने मुझे दे दिया, हमारी शादी भी हो गई, तो क्या मैं अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल नहीं सकती? मैं भी ना एक औरत हूँ यार, वैसे भी एक औरत खुद को क्या पूरी दुनिया को बदल सकती है? सही कहा तुमने यार, आज सच में मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा दिल से, लव यू यार। तुमने मेरी इज्जत रख दी, लाज रख दी, थैंक यू सो मच यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर जोशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा जोशी। आशा करती हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताना और शेयर करना। बिल्कुल दोस्तों, शेयर जरूर करना, और ये हमारा है गरिमा शेखर जोशी हिंदी चैनल, तो इसको अपने सभी दोस्तों को भेज देना, ठीक है दोस्तों? शेयर जरूर कर देना प्लीज़, है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।